थलापति विजय एक ऐसे सुपरस्टार है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बीस्ट का प्रमोशन शुरू हो चुका है ऑलरेडी, दो गाने धमाल मचा रहे हैं और अरबिक जो सॉन्ग है अरबिक को तो वो तो अलग ही पागलपन क्रिएट कर रहा है सोशल मीडिया पर। यहाँ पर एक अपडेट ये आ रही है, कल तो वैसे बहुत बड़ी अपडेट आई थी बीस्ट की तरफ से जब उन्होंने अनाउंस कर दी अपनी रिलीज डेट 13 अप्रैल 2022 और लोहा लेने के लिए बिल्कुल तैयार है वो भी केजीएफ चैप्टर 2 से यानी क्लैश करने के लिए। एनीवेज यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि बीस्ट का ओवरसीज राइट्स बिक चुका है, ओवरसीज थिएटरिकल राइट्स एक बहुत बड़े दाम पे बेचा गया है बीस्ट मूवी का। खबरों के हिसाब से 32 करोड़ की बोली लगी है और 32 करोड़ देने के लिए ओवरसीज मार्केट में राजी हो गए हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो इंटरनेशनली ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है ओवरसीज मार्केट में और वो बेची गई है बीस्ट 32 करोड़ में। इट इज सर्टेनली गोइंग टू बी ए बिग अमाउंट। हाँ, एक बहुत बड़ी चीज ये है कि जो वेबसाइट्स है, एक दो वेबसाइट्स पे मैं ये देख रहा था कि क्या बीस्ट एक पैन इंडिया फिल्म है या सिर्फ तमिल फिल्म है। तो ऐसा लिखा आ रहा था वहां पर कि बीस्ट इज द फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म ऑफ थलापति विजय। अब ये भी कहा जा रहा है कि ऑफकोर्स कनाडा वर्जन रिलीज कनाडा में रिलीज होगी, तेलुगु मार्केट में रिलीज होगी, लेकिन क्या वाकई में बीस्ट एक पैन इंडिया फिल्म है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है ना तो विकिपीडिया पे ना बुक माई शो पे ना तो कहीं, लेकिन कुछ वेबसाइट्स इस तरह का दावा कर रही है यानी कि लेट्स सी इफ इट इज ऑफिशियल और नॉट, वेरी सून इट विल बी क्लियर। बट आप कितने खुश है कि बीस्ट का ओवरसीज थिएटरिकल राइट्स बिका है 32 करोड़ में, विच इज ए बिग अमाउंट। आप कितने खुश हो बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लव यू ऑल।